हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिस्टी। सो गाइज, मैं दो दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। पिछले ब्लॉग में हमने न्यूज़ दे दिया था कि मतलब जो भी है वो सब हो गया था। उसके बाद मैंने बोला था वीडियो के एंड में, मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा आपको कि क्या क्या हुआ था। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ठीक है भैया आप बताओ या फिर आप मत बताओ, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये सब देखो, इतना बता दिया मैंने क्या रीज़न क्या था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ा बहुत बता ही दूंगा। थोड़ा बहुत मतलब पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे यार, क्योंकि ना मैं नहीं जाऊंगा पूरा डिटेल में। अभी फ़िलहाल कार्तिक को मैं स्कूल से लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसका टाइम छुट्टी का हो चुका है, तो अभी चलते हैं। साथ में मिस्टी भी जाएगी। मिस्टी का मैंने कल घुमाया, संडे था कल, तो थोड़ा बहुत घुमाया उसको, उसका मैंने माइंड फ्रेश किया बाहर ले जाके। फिर उसके बाद से थोड़ा वीडियोज़ वगैरह वो भी मतलब बनाने लगी। मैंने कहा कब तक तुम टेंशन में रहोगी, जो होना था वो तो हो गया है ना, तो लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ करो। अब तुम ही हो अपनी मम्मी पापा के लिए जो हो, है ना, क्योंकि भाई है तो वो भी है, बट मिस्टी से कुछ ज़्यादा ही उनको प्यार है, उम्मीद कुछ ज़्यादा है मिस्टी के मम्मी पापा को, और हमें खुद है भाई, हमारे घर वाले को भी, सबको हम लोग बहुत प्यार करते हैं मिस्टी से। तो चलते हैं, अभी कार्तिक को लेकर आते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अभी स्कूल के बाहर हैं हम कार्तिक के, कार्तिक को मिस्टी गई है लेने के लिए अंदर। अभी आएगा, देखना कैसे एक्साइटमेंट में आता है वो, मतलब वो बोलता है ना मेरा हाथ छोड़ दो, मेरे को ऐसे ही भागना है मुझे। और यहाँ पर रोड है तो इधर से भी गाड़ी आती है, आगे से भी गाड़ी आती है कभी कभार। एक अभी तो कुछ दिन पहले तो एक ऑटो वाले से टकराने से बच गया वो, इसलिए हम हाथ भी नहीं छोड़ते, लेकिन वो कहता नहीं छोड़ो तो मुझे। अभी देखना भी आएगा, तो अभी आएगा कार्तिक, अभी देखना आएगा भगता हुआ। आगे आगे चलो आ जाओ, चलो घर चले। काली लग रही है, मैंने वो एक्सपोजर कम कर दिया थोड़ा सा। क्यों? अरे बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। बैठो, चलो खाते, चलो रखो बैग, रखो आगे। वाह, खुद से रख दिया बैग। आज क्या किया स्कूल में तुमने? हाँ बेटा, अरे बच्चे कभी भी स्कूल से आते हैं ना, तो ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए क्या क्या क्या। अच्छा, उनको बहुत प्यार करना चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम में देखा है। अरे जाओ, इंस्टाग्राम का ज्ञान मत दो इधर। कार्तिक को हम स्कूल से ला के खाना पीने खिला दिया था, अब वो अपना थोड़ा सा आईपैड देखेगा, फिर थोड़ी देर बाद अभी सो जाएगा, और फिर उठेगा डायरेक्ट शाम को। यहाँ पे नीसू बैठ के फ़ोन चला रही है अपना। तो आपको मैंने बोला था गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम लोग वीडियो को मतलब लास्ट नहीं है, मैं बताऊँगा बाद में कि क्या हुआ था एक्चुअली। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं बताऊँगा, तो मिस्टी बताएगी, क्योंकि मिस्टी को पता है कि क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना। कि मैंने आज एक रील डाला था, मैंने और मिस्टू ने, मतलब काफी टाइम बाद में डाला, तो सर 3 दिन हो गया था मैं वो डाले हुए। तीन चार दिन हो गया मतलब, और उसमें भी कमेंट करे लोग, लोगों ने कम से कम इतना ज्यादा कमेंट किया कि अभी दीदी का डेथ हुआ, बहन की डेथ हुई, अभी ये नाचने लगी और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ संभालना चाहिए जाके। तो हम लोग तो ब्लॉग में नहीं डाल रहे थे अभी, है ना, हम रील्स लास्ट ब्लॉग तो, लेकिन ये है मैंने पोस्ट डाला था इससे पहले, मैंने इसीलिए ये पोस्ट डाला था पहले सुबह कि आप लोगों कोई है ना, आप लोगों कोई वो ना हो कि मतलब मैंने, मतलब अभी दीदी की डेथ हुई, अभी मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया करना। लेकिन ये सब मेरा काम है गाइस, ये एक जॉब की तरह, ये मेरा जॉब की तरह ही है। जाते हो कहीं जॉब करने जाते हो ना, अगर तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में किसी की डेथ हुई, मतलब ऐसा होना नहीं कि आपके घर में किसी की डेथ हुई, है ना, किसी साथ ऐसा ना हो भाई। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको वो कितना देर की छुट्टी देगा? 2 दिन का देगा ज्यादा से ज्यादा, 2 दिन बोलेगा ठीक है, 3 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद चलो 4 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, लेकिन इसके बाद तो आपको खुद से ही आना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी आपकी कटेगी, है ना, वो हो जाती है सैलरी बात। लेकिन और मैंने एक चीज़ मैंने एक कमेंट पढ़ा था हमारे पिछले वाले ब्लॉग में, मतलब उसमें कमेंट आया था जिसमें मैंने बताया था कि दीदी की डेथ हो गई है, तो उसमें कमेंट में लिखा था कि बेशरम लोग, इनका हमेशा कैमरा चालू रहता है, ब्लॉग बनाने पे ध्यान दो, सॉरी ब्लॉग बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, अगर जरा सी भी शर्म बची होगी तो उनकी बेटियों को भी थोड़ा संभालना। तो भाई वो तो संभालेंगे यार, वो तो मैंने खुद मिस्टी की मम्मी से बोला था कि जो छोटी वाली बेटी है उनकी, जो बड़ी वाली है वो तो अपने पापा के साथ रह रही है, और जो छोटी वाली है वो रहेगी अपने नाना नानी के साथ। अब तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको देखेंगे अब, ठीक है। हम तो अभी वेस्ट बंगाल मतलब जाने का प्लान कैंसिल होने ही वाला था, लेकिन मम्मी ने फिर बोला कि कैंसिल मत करो, आ जाओ, क्योंकि
अब जो हाँ लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि टिकट कैंसिल करने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा में घूमने वाले थे। छोटी वाली को मतलब छोटी वाली भांजी को लेके आई है मेरे, ठीक है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उसे देखे, है ना, सब मिलके देखे हम लोग देखेंगे भाई। मैंने तो ये तभी बोलते थे कि मम्मी मतलब अभी उनसे नहीं बोला, मैंने मिस्टी से बोला था कि हम गोद ले लेते हैं उसको, कि वो अब अकेले हो चुकी है, ठीक है। बट मम्मी पापा अभी वो नहीं है, मिस्टी में पापा कह रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग इसको संभाल लेंगे, बस तुम लोग सपोर्ट में रहना। तो हम तो सपोर्ट में है ही ऑब्वियसली भाई। अभी हम लोग जाने वाले हैं गांव वेस्ट बंगाल, तो गांव में जाने वाले हैं। अभी उनके लिए थोड़ा शॉपिंग करना है, सबके लिए, पापा मम्मी विजय और निधि के लिए, सबके लिए शॉपिंग करना है, क्योंकि वो लोग जब गए यहां से तो बहुत इमरजेंसी में निकले थे। पापा तो सिर्फ दो जोड़ी कपड़े लेके गए और मम्मी तो एक दो ही लेके गई थी, विजय भी एक दो ही लेके गया। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आप लोग इतना पैसा कमाते हो, आपको फ्लाइट से भेजना चाहिए था अपनी मम्मी को, जब आपको पता है कि आपकी दीदी की तबीयत सीरियस खराब है तो आपको फ्लाइट से भेजना चाहिए था, ताकि वो जल्दी पहले टिकट करवा लिया था। ये पहली बात तो फ्लाइट का टिकट हम करवा देते, ठीक है गाइस। हमें बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि वो ऐसा उनका मतलब वो होने वाला है, उनकी डेथ होने वाली है। अगर ऐसा बिल्कुल भी जरा सा भी ऐसा होता ना, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि 10% चांस है बचने का, डॉक्टर ने बोला था 10% चांस है, तो हमने कहा कि अभी हम डॉक्टर कोशिश कर रहा था। एक दिन के अंदर कम से कम इतनी बार फोन करते थे ना हम लोग, मिस्टी तो हर आधे घंटे हर एक घंटे बाद पूछती थी कैसी है अभी, कैसी है दीदी कैसी है। तो वहाँ पे मिस्टी के पापा थे, वो बता रहे थे हर एक चीज़। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है इसलिए हम लोगों ने रील डाल दिया। मैं मिस्टी को खुद कल संडे था तो घुमाने लेके गया था बाहर, थोड़ा माइंड फ्रेश किया। मैंने कहा छोड़ो जो हो गया सो हो गया, अपने वापस अपने काम वाम पे आते हैं, क्योंकि देखो भाई अगर इस ये चीज़ हम सोचेंगे तो घर नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। जैसे कि अपने आपको होता है, हम हमारे रोजी रोटी वही है, कमाने के लिए है, तो वहीं से हम लोग कमाते हैं। किसी की तरह ऐसे पब्लिकली हम सब कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे सब लोग होते हैं, काफी लोग होते हैं कि बहुत खुले हम बताते सब चीज़ अपने घर का मैटर। और कुछ पॉइंट मैंने अगर छोड़ दिया हो तो गाइस देखो, कुछ कुछ पॉइंट हो सकता है कि मिस कर दूं मैं, वो आप कमेंट में बता सकते हो। मेरे को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि पढ़ के कि अरे यार तुम दीदी का भी कुछ दिन पहले ही डेथ हुआ, तुमने फिर से शुरू कर दिया। गाइज मिस्टी के सर पे इतने सारे अभी स्पॉन्सर के रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर उनका नहीं करेगी ना तो वो लोग अगली बार से नहीं देंगे स्पॉन्सर। करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, सबके स्पॉन्सर अभी सबके पेंडिंग पड़े थे, धीरे धीरे सबका क्लियर कर रहे हैं। कितने दिन उनको रोक सकते हैं, क्योंकि भाई उनको आगे जवाब देना है। अब हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो ये हम नहीं चाहते, क्योंकि जो हुआ था वो तो भाई हो ही गया, है ना। बाकी और बाकी जैसे आपने पूछा था दीदी की डेथ कैसे हुई थी, मैं बता दूं। अब मिस्टी स्टोरी बता देती है कि थोड़ा मतलब डिटेल में, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मम्मी ने बोला कि बता दो, लेकिन ना बिल्कुल डिटेल में मत बताना, क्योंकि कुछ इतना बता दो कि लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। मेन चीज था कि दीदी ने मेन पहला पॉइंट था, दीदी ने जहर खाया था, ठीक है। किस लिए खाया था? दीदी घर में कुछ झगड़े चल रहे थे, हर घर में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ फैमिली में झगड़े होते हैं, किस में नहीं होते, सब में होते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब मेरी दीदी को मैं बचपन जानती हूँ, उसको उसका गुस्सा हमेशा यहाँ रहता है, हमेशा रहता था। हाँ रहता था, मतलब उनका गुस्सा हमेशा नाक पे ही रहता था, नाक पे रहता था। बचपन से ही बहुत गुस्से थी वो, मतलब वो ना कभी हमारी नहीं सुनती थी, हमेशा वो अपना ही करती थी। तो मुझे पता है कि मिस्टी को जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, बट गाइज आप लोग समझ ही रहे हो, मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटल में है, ठीक है। और जिनके घर में बोल रहे जिस दिखावा करती है मिस्टी, बस इतने दिन तक दिखावा कर रही थी, कितना प्यार है। बहने होते होंगे ना, उनको पता होगा कि कैसे बहनों का प्यार दिखावा भी हो सकता है, मेरे को पता ही नहीं। कुछ सफाई अपनी बहन के साथ तो कोई दिखावा नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता यार। कोई कितना भी पत्थर दिल का होगा ना, लोग चाहते हैं कि आप गम में डूबी रहो। एक ने कमेंट किया था कि मेरे घर में मेरे भाई की डेथ हुई, हम 6 महीने तक गम में थे, 6 महीने से उनके भाई तो लौट के नहीं आते। गम में डिप्रेस्ड हो जाऊं बिल्कुल ही, मैं इन सबसे पूछो मैं कितना डिप्रेस्ड, सब कुछ छोड़ दे, कितना इनको वो किया। आप लोग चाहते हो हम लोग सब कुछ छोड़ दे, सब चीज बंद कर दे, एकदम डिसअपीयर हो जाए सोशल मीडिया, है ना। तब आपको लगेगा कि हाँ आप रियल में हम लोग गम के अंदर। मेन मैं आपको सारे पॉइंट बता देती हूँ, ठीक है। मेरी बहन ने दूसरी शादी की थी, अभी मेरी बहन जो मेरे पहले गोद ब्रह में जो जीजा आए थे उनको छोड़ के दीजिए ने दूसरी शादी की थी, ठीक है। मैं सारा चीज एकदम सच्चाई से बता रही हूँ आपको, कोई चीज नहीं वो करूंगी। उनमें उनकी उनकी भी थोड़ी गलती थी, मानते हम लोग। मेरी दीदी ने दूसरी शादी की थी क्योंकि जो पहले वाले जीजा से थोड़ी बहुत उनकी अनबन हो रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी, उसकी वजह से उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, खुद से लव मैरिज। हमने तो अरेंज करवाई थी, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, वो भी अच्छा केयर करते थे, लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं होता गाइस। पर उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने फिर
कहीं और उनका अफेयर हुआ, फिर उन्होंने कहीं और शादी तो कर लिया, ने दूसरी शादी की। तो दीदी अपनी छोटी वाली लड़की को लेके, निधि को लेके वो चली गई थी, और निक्की जो थी, जो हम लोग ब्लॉग में दिखाते हैं, वो अपने पापा के साथ, मतलब अपने पहले वाले पापा के साथ रहती है ना, अभी भी रहती है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी भी मतलब अच्छे से केयर कर रही है। लेकिन मेरी जो दीदी थी वो निधि को लेके चली गई थी छोटी वाली को, और जब यहाँ से गई शादी किया उसने दोबारा, तो वहाँ पे उनका एक छोटा बेबी था, लड़का हुआ, उनका वहाँ जाने के बाद एक लड़का हुआ था, अभी वो अभी अपने ब्लॉग में दिखाया भी नहीं, हमने खुद नहीं देखा उसको, मैंने फोटो इंस्टा या फेसबुक पे फोटो देखा है उसका, लेकिन सामने से नहीं देखा। हाँ, तो दीदी का एक छोटा लड़का था, वो भी एक साल का होने ही वाला था नेक्स्ट मंथ, उसको एक साल हो जाता। जो अभी दीदी ने दूसरी शादी की थी उनके घर से उनकी बहुत लड़ाई है, उनका भाई देखो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बिहेवियर था उसका, उस बार बंदे का, दूसरे वाले का, लेकिन धीरे धीरे आपको पता ही है कि धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होने लगता है, अग्रेसिव हो गया, मारना पीटना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा होने लगा, लड़ाई बड़ाई होने लगा, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है बहुत, यहाँ तक कि मिस्टी के पापा ने बोला था कि बेटा रुक जा, 6 तारीख तक हम लोग आ रहे हैं तुझे वापस ले आएंगे, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई, बर्दाश्त नहीं हुआ था वो एकदम पीक पे पहुंच चुकी थी एकदम, तो उन्होंने कहा कि भाई फाइनली इंसान पीक पे जब पहुंचता है तो यही सोचता है या तो मैं खत्म हो जाऊं या तो मैं सबको खत्म कर दूं, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। और मेरी दीदी की आदत थी कि वो हमेशा अपने को ही हार्म करती है, बचपन से ही हम लोग साथ में रहना, वो खुद को ही हार्म करती ज्यादा, और इस बार भी लास्ट टाइम उसने खुद को ही किया, तो हॉस्पिटल में वो गाइस एक हफ्ते तक पड़ती थी, वो थर्सडे को एडमिट हुई थी, थर्सडे से उसका इलाज चल रहा था, मतलब जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने ही एडमिट कराया था, वही लोग इलाज उलाज करवा रहे थे, डॉक्टर ने पूरा ट्राई किया था बचाने का, मिस्टी के पापा ने सब ने कोशिश किया, हमने ही बोला कि कोई भी जरूरत हो तो आप बताना हमें, पैसे से लेके कुछ भी हो, सब चीज, कोई पैसा वैसे की जरूरत हो तो हमें बताना, मैंने ये भी बोला था, क्योंकि भाई जान से बड़ा पैसा नहीं होता, आपको भी पता होगा ये चीज। तो फिर पापा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन लास्ट टाइम थर्सडे को दीदी एडमिट हुई, नेक्स्ट थर्सडे दीदी की मतलब डेथ हो गई थी सुबह 8 बजे के आसपास, लेकिन हमें 12 बजे के आसपास पता चला, हमें 11-12 बजे पता चला, मतलब पापा ने जानबूझ के नहीं बताया था मुझे ये चीज। तो दीदी ने लास्ट टाइम पापा का हाथ पकड़ा था, और दीदी बोल रही थी मुझे एक बार मम्मी से मिलवा दो, मतलब अपने क्योंकि उसको ऐसा ना लगे कि लास्ट टाइम है ऐसा उसका, ठीक है, लेकिन जो भी हो हॉस्पिटल में जितने दिन थी ना वो बहुत दर्द से जो भी था, और अब जो चला गया गाइस, अब हम लोग इतना सोच के वो नहीं हो सकते ना, मतलब कितना उनकी बेटी का हम लोग जिम्मेदारी लेंगे, आप टेंशन मत लो गाइस, उनकी बेटी का जिम्मेदारी लेंगे बिल्कुल, और दीदी का संडे तक का तो जो ये जो तेल जब तक हम लोग कर पाएंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। और जैसे मम्मी ये भी कह रही थी कि जैसे कोई जिनकी ऐसी दर्द होती है ना, तो उनकी तेल भी नहीं किया, तो उनके 3 दिन में काम होता है, तो दीदी का कल काम हो चुका है घर पे भी, मम्मी ने दीदी का जो भी काम था जो काम कंप्लीट हो चुका है गाइस, और हम लोगों का ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ है, हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा में, हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, अब ये मत बोलना कि अब ये कुछ हुआ, ये हम मिस्टी के मम्मी पापा के मर्जी से जा रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद बोला कि टिकट कैंसिल कर देते हैं, इस बार का दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे, पर उन्होंने बोला कि नहीं टिकट कैंसिल नहीं होगा, तुम सब लोग आओ यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे जो हो गया वो जिसको जाना था वो तो चला गया, दीदी का भी तो यही सपना था, जिसको जाना था वो तो चला गया, पर तुम लोग आओ आराम से, और हम लोग उतना टेंशन नहीं ले रहे, तो तुम भी उतना टेंशन मत लो, क्योंकि भाई घर में अब बड़ी तो मैं ही हुई गाइस, बड़ी भी मैं हूँ छोटी भी मैं हूँ, अब तो पापा अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, साथ में यहाँ की उठाती हूँ, साथ में मैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगी, तो क्योंकि घर में अब कोई बड़ा रहा नहीं, और मेरे घर खानदान में सबसे बड़ी वही थी मेरी दीदी, मतलब पूरे हमारे खानदान में कज़िन में सब में बड़ी वही थी लड़कियों में। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, अभी भी कुछ होगा तो कमेंट कर देना, अगर हमें बताने का वो होगा तो हम बताएंगे, बताने का नहीं मतलब नेक्स्ट व्लॉग में बीच में ही व्लॉग में जोड़ देंगे, जैसे कमेंट पढ़ते हैं ना उसका आंसर कर देंगे बीच में, इतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब ये तो ये पूरा डिटेल में बताना था आपको, इसलिए हमने बता दिया डिटेल में बना के, तो ये चीज़ है, ये हमने बहुत दिन से मतलब बताया नहीं था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, ये हमने कहा छोड़ो उनका पर्सनल मैटर है, इसलिए वो ज़्यादा हमारे ब्लॉग पर, अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो अब कुछ भी पर्सनल नहीं है, अब तो जब वो खुद ही इंसान इस दुनिया में नहीं रहा तो अब तो बताने में और बताना ना बताना एक ही बात है, जहाँ भी हो खुश हो, बस ये चीज़ है, और वीडियोस वगैरह तो भाई डलेगी ही डलेगी, वो तो आपको पता है, ठीक है, तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।